दोस्तों वेलकम टू चैनल। क्या बताऊँ, अभी इतना ज़्यादा मूड ख़राब है। मैं एक्चुअली अभी आप लोगों को पता चला होगा कि 30-40 जवानों को मार दिया गया है। एक्चुअली हर न्यूज़ में अलग अलग उनका नंबर है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 22, किसी के पास 23, 24, 30। तो एक्चुअली गिनती 40 के आसपास है, 42-45 के आसपास लोगों को शहीद कर दिया गया है। जानकारी के लिए आप सबको बता दो, जो लोग इस पर पॉलिटिकल गेम खेलना चाहते हैं, पॉलिटिकल गेम एक लिमिट तक अच्छा लगता है, लेकिन जब आप किसी के शहीद हो जाने पे ये गेम खेलने लग जाते हो, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर उतने लोग वहाँ शहीद नहीं हुए होते, अगर इन टेररिस्ट का निशाना अगर आर्मी नहीं होती, तो 40 लोग नहीं, 40,000 लोग देश के अंदर मारे जाते, और फिर कोई पॉलिटिकल गेम खेलने के लायक बचता नहीं। तो चाहे यहाँ भारत का हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे कोई भी कास्ट, रिलीजन, कुछ भी हो, आज की डेट में किसी कि गवर्नेंस पे पॉलिटिक्स मत खेलो इस मामले पे, नहीं आर्मी पे। बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कोई हमला हो जाता है, लोग आर्मी वालों को दोष देने लग जाते हैं, और जैसे पत्थरबाजी पे जो मामला चला था, तो ये सब पॉलिटिकल गेम एक तरफ है, लोग शहीद हो रहे हैं वो एक तरफ है। अब बात करते हैं कि जनता का तो दिमाग ख़राब हुआ इस हरकत पे। अटैक भारत मुंह पे कितना बड़ा तमाचा था कि अगर इसका जवाब भारत ने समय रहते नहीं दिया, और प्रधानमंत्री ने कंडेमनेशन के अलावा अगर कुछ और नहीं किया, तो शायद इस चुनाव पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जैसे सरकार बजट ले आई कि पॉजिटिव असर हो, टेररिस्टों ने अटैक कर दिया ताकि नेगेटिव असर हो। अगर समय रहते भारत ने ये ऐलान नहीं किया कि हम पाकिस्तान को तरीके से बिल्कुल जिस भाषा में वो समझ रहा है समझाएंगे, तो कुछ होगा नहीं, तो फिर कुछ सही नहीं होने वाला है। पहली चीज़ तो ये रही। दूसरी चीज़, जनता इस वक्त बहुत एग्रेशन में है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में आम जनता जो बॉर्डर से बहुत सेफ जोन में रहती है, उसको तो सिर्फ इतना समझ में आ रहा है, जो लोग थोड़ा अंदर नेशनलिज्म रखते हैं, जो देशभक्त हैं थोड़ा बहुत भी, वो आज की डेट में चाहते हैं कि पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों को मारा जाए, पाकिस्तान के टेररिस्टों को मारा जाए, पाकिस्तान की आर्मी को मारा जाए। क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है, बहुत सारे आंकड़े निकले हैं कि पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन करती है इन टेररिस्टों को, पाकिस्तान में फंडिंग मिलती है इन टेररिस्टों को, वरना इनको कहाँ से गाड़ियाँ मिलती, कहाँ से बारूद बनाने को मिलता है, कहाँ से बम मिलता है, कहाँ से इतना पैसा आता है कि सब चीज़ें सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पाएँ। और जैश मोहम्मद का हाथ है, उस ग्रुप का हाथ है इन टेररिस्टों में, ये न्यूज़ में सामने आया है। तो अगर पाकिस्तान को इन्हें सपोर्ट नहीं करना है, अगर पाकिस्तान खुद इनसे परेशान है, तो वो एक देश है, वो कुछ भी करके इन छोटे मोटे टेररिस्टों से, या चाहे दुनिया के भी बड़े टेररिस्टों से भी वो ज़्यादा पावरफुल एक देश हो सकता है, उस देश की आर्मी हो सकती है, लेकिन वो कोई एफर्ट नहीं कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम उसके विरोध में नहीं हो तो तुम उसके साथ हो। तो अगर पाकिस्तान इसके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है, तो भारत को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहिए, पूरी पूरी पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना चाहिए, ताकि अगली बार कोई भी अटैक करने से पहले उनको समझ में आ जाए कि भारत पे अटैक करना एक अपने आप में ही एक बहुत कुएं में कूदने वाली बात हो जाए, ताकि कोई कर ना पाए। इतना खौफ भारत को उनके दिमाग में डालना पड़ेगा कि भारत पे अटैक करना कोई आसान काम नहीं है। आज की डेट में इतना उनके लिए आसान हो गया है कि हर कुछ महीने में एक टेररिस्ट अटैक, एक बॉम्ब ब्लास्ट, एक फायरिंग, इतना आसान हो गया क्या भारत पे अटैक करना? और यहाँ के नेता लोग पॉलिटिक्स खेलने लग जाते हैं। मैंने अभी बताया कि वहाँ 40 के आसपास लोग मरे हैं, वो ना होते अगर गार्ड करने के लिए, अगर टारगेट आर्मी ना होती, तो 40,000, 40 लाख लोग भारत के हो सकते थे। अगर इतनी ही बुद्धि है आप लोगों में, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ ये वीडियो इतना ज़्यादा शेयर करो, उतना ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, जो समझ में आए जिस तरीके से। और अपने आप ही पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि कितना गुस्सा आ रहा है, क्या चाहते हो कि उनके साथ ऐसा क्या हो जाए, उन पाकिस्तानियों के साथ जिनकी वजह से ये हमले हो रहे हैं। अगर जवान बॉर्डर पे नहीं रहेंगे, और इस खौफ से कोई आर्मी में नहीं जाएगा कि हमारी सेफ्टी पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जवानों के मर जाने पे पॉलिटिक्स खेली जाती है, और पैसे देके मुद्दा ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब कॉम्पनसेशन देके, और बात यहीं ख़त्म। अगर इन सब हरकतों के खिलाफ कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, आर्मी में लोग जाना छोड़ देंगे, इतनी बुरी हालत हो जाएगी। और यहाँ आर्मी अगर कमज़ोर होगी, तो फिर देश के नॉर्मल सिविलियंस का कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ से कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट आ जाए, कोई और देश का टेररिस्ट आ जाए और कहाँ बम लगा दे। तो आप में इतनी समझ होनी चाहिए। तो अगर मेरे सवालों का जवाब आपको पता हो तो कमेंट में बताना।
और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि जो गुस्सा है किसी के अंदर कम ना हो और इंडियन पब्लिक का गुस्सा, भारतीय लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा समझ में आए, ताकि जो हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हैं, जिनको वोट दे के आप लोगों ने चुना है और शायद फ्यूचर में भी उन्हीं लोगों को लाओ, उनके ऊपर ये प्रेशर बनना चाहिए कि अटैक जल्दी से जल्दी काउंटर होना चाहिए इस चीज़ का, बदला लेना ज़रूरी है। बदला नहीं लिया तो फिर फ्यूचर में आना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इन पाकिस्तानी टेररिस्टों के लिए भी एक एग्जांपल सेट होना चाहिए, उनको उनके अंदर ही खौफ हो जाना चाहिए कि वो भारत के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। कोई भी ऐसे आएगा दो दो कौड़ी का टेररिस्ट आके हमला करके चला जाएगा, उसकी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सब जनता के हाथ में है। हम लोग भारत के 150 करोड़ की आबादी रखते हैं, अगर हम लोग कुछ नहीं कर सकते उनके ऊपर, तो वो लोग आके इतनी आसानी से करके कैसे चले जा रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और जितना गुस्सा हो कमेंट बॉक्स में निकालो, मुझे सुनना है आज कितने लोग गुस्सा हैं।